वेलकम टू टेस्ट ऑफ इंडिया। आज 2 चम्मच तेल और ढेर सारी सब्जियों के साथ बिना डीप फ्राई किए सूजी के फ्लेवरफुल और टेस्टी न्यूट्रिशियस स्नैक्स की रेसिपी दे रही हूँ। साथ में प्याज टमाटर की स्पेशल चटनी है। लास्ट तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूजी के नमकीन बॉल्स के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी छाछ। आप आधी कटोरी दही और आधा पानी ले सकते हैं। साथ में तेल लें, 1 मीडियम साइज का प्याज, 1 टमाटर, 1 हरी मिर्ची, 1 गाजर और 1 शिमला मिर्ची को बारीक काट लें। उड़द दाल 2 चम्मच, 2 सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता, चने की दाल 2 चम्मच, नमक, सफेद तिल 1 चम्मच, सरसों या राई के दाने, खाने का सोडा। चटनी के लिए लें नारियल 2 चम्मच, 1 चम्मच उड़द की दाल, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, प्याज टमाटर 1 मीडियम साइज की इमली आधा टेबल स्पून, 2 सूखी लाल मिर्च और नमक। मिक्सिंग बोल में 1 कटोरी छाछ और 1 कटोरी सूजी डालें, 1/2 टेबल स्पून नमक डालें, ढककर 10 मिनट फूलने दें। तड़के की तैयारी कर लें। तड़का पैन को आंच पर चढ़ाएं, 1/2 टेबल स्पून तेल डालें, उड़द की दाल, चने की दाल, करी पत्ता और हरी मिर्च डालें। दाल के गोल्डन होने तक फ्राई करें। ये तड़का इस नाश्ते को एक अच्छा फ्लेवर देगा, इनहेंस करेगा फ्लेवर को। बारीक कटी सब्जियां मिलाएं। डोसे के बैटर से जरा सा गाढ़ा रखना है, पानी डालें, कंसिस्टेंसी एडजस्ट करें, 1/2 चम्मच खाने का सोडा और सब्जी के हिसाब से नमक डालें। फ्राइंग पैन को आंच पर चढ़ाएं, 1 टेबल स्पून तेल डालें, फैला लें, राई डालें 1 चम्मच, तड़कने दें और सारा घोल डाल दें, ढककर धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट पकने दें। चटनी की तैयारी कर लें। 1 दूसरे फ्राइंग पैन को आंच पर चढ़ाएं, 2 टेबलस्पून तेल डालें, उड़द की दाल, चने की दाल और करी पत्ता डालें, नारियल के टुकड़े और अदरक के टुकड़े डालकर फ्राई करें, प्याज के स्लाइस और लाल मिर्ची डालें, 2-4 मिनट फ्राई करके टमाटर डालें, स्वादानुसार नमक डालें, ढककर धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट पकने दें। प्याज और टमाटर जब इस तरीके से गल जाए तो पीसकर पेस्ट बना लें। तड़के की तैयारी करें। तड़का पैन में 1/2 चम्मच तेल, राई, करी पत्ता, लाल मिर्ची डालकर चटनी पे तड़का लगा दें। 20 मिनट हो गया है, बैटर तैयार हो गया है पककर, पलट लें, मिलाकर अच्छे से चलाएं। मिक्सिंग बोल में डालें, थोड़ा ठंडा करें, हल्का गर्म हो तभी मैश करें, आटा की तरह गूंध लें ताकि गुठलियां न रहें। हाथ में तेल या पानी लगाकर छोटे छोटे बॉल बना लें। बॉल्स को फ्राई करना है, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। फ्राइंग पैन में 1 चम्मच तेल डालें, 1 चम्मच राई और 1 चम्मच सफेद तिल डालकर तड़कने दें, ढक दें ताकि छींटे न पड़े। एक एक करके सारे बॉल्स डाल दें। 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालें। बॉल्स जब स्ट्रक्चर लेने लगे तब स्पून से हिला सकते हैं, शुरू में ना हिलाएं, नहीं तो ये टूट सकते हैं। सारे बॉल्स रेडी हैं, चटपटी चटनी के साथ सर्व करें। आप भी खाएं, अपने गेस्ट्स को खिलाएं। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।